दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन्स को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। आज हाईकोर्ट की डिविजन बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल को नौवा समन जारी करते हुए गुरुवार यानी 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। में उन्हीं के सामने हंगामा हो गया और यह हंगामा पार्टी के एक पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने किया। मध्य प्रदेश के मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें हैं। ये 8 सीटें हैं श्योपुर, विजयपुर, सबलगढ़, जौरा, मुरैना, सुमावली, दिमनी और अम्बा। और सीताराम आदिवासी विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और वो शिवमंगल सिंह तोमर के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। दिल्ली में एमएनएस यानी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि एमएनएस अब एनडीए का हिस्सा हो सकती है। इतना ही नहीं, कयास तो ये भी लगाए जाने लगे कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ सकती है, क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वाले राज ठाकरे एनडीए में शामिल होने की तैयारी में नजर आए। हालांकि ये कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही राज ठाकरे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, इस गठबंधन पर करीब करीब मोहर लग गई। ये तस्वीर यहाँ पर एकदम साफ हो गई है कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना जो कि राज ठाकरे की पार्टी है वो गठबंधन करेगी। सूत्रों ने दावा किया कि इस बैठक के दौरान राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की डिमांड की। दावा है कि उन्होंने शिरडी और दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर एमएनएस के उम्मीदवार उतारने का ऑफर गृह मंत्री के सामने रखा। और अगर ये डील तय हो गई तो इसका मतलब साफ है कि सालों बाद राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब से वो बाला साहब वाली शिवसेना से अलग हुए उनके रिश्ते बीजेपी से बिगड़ गए थे। और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी एनडीए का हिस्सा बनती है तो इससे दोनों को फायदा होगा, क्योंकि इस बार 2019 की तरह उद्धव ठाकरे और एनडीए एक साथ नहीं है। माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी ने राज ठाकरे पर भरोसा जताया, क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच अब भी राज ठाकरे की अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि राज ठाकरे ने मराठियों के बीच जो धाक बनाई उसकी वजह उनके चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे थे। हालांकि कई साल पहले दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी, और वो भी इतनी कि राज ठाकरे को पार्टी और ठाकरे परिवार दोनों से दूर कर दिया गया था। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था, क्योंकि उन दिनों तो राज ठाकरे ही बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे। इस बात में कोई शक ही नहीं था कि बाला साहब ठाकरे के बाद अगर कोई शिवसेना का चेहरा होगा तो वो राज ठाकरे ही होंगे। यहाँ तक राज ठाकरे को जूनियर बाला साहब ठाकरे तक कहा जाने लगा था, क्योंकि उनके चलने बोलने और लोगों से बात करने का ढंग भी बिल्कुल बाला साहब ठाकरे जैसा ही था। खुद राज ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे की तर्ज पर अपने आप को तैयार कर रहे थे। उन्होंने भी बाला साहब ठाकरे के M3 फॉर्मूले को आगे बढ़ाने का काम किया था। शिवसेना के M3 फॉर्मूले में पहला M ये था कि शिवसेना मराठी मानुष के हक के लिए लड़ेगी। दूसरा M इस बात को दिखाता था।